हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने में बच्चों को जो दिक्कतें होती हैं, आज के बाद वो खत्म हो जाएंगी। बस आपको मेरे साथ अच्छे से देखना है वीडियो एंड तक और समझने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है वो मैं आज बताऊंगा। पहले आप सिंगल डिजिट का जैसे आपने सब्ट्रैक्शन किया है वैसे ही टू डिजिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। थ्री डिजिट, फोर डिजिट, प्रोसेस सेम होता है। ओके, जैसे एग्जांपल आप 9 माइनस 3 करते हो, 6 डन। ये था आपका सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन। अब टू डिजिट सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये बिना बोरोइंग का है, आपको किसी से लेना नहीं है। अब जो सीखेंगे हम लोग बोरोइंग वाला सीखेंगे, एडजेसेंट डिजिट से कैसे बोरोइंग करना है नंबर को एंड हाउ टू सॉल्व दैट, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, स्किप मत करना, नहीं तो सब बाउंसर जाएगा। इसलिए प्लीज ध्यान से देखें। सपोज हाउ टू राइट फ्रॉम, जो नंबर बड़ा है लार्जर नंबर जो है उसको पहले लिखते हैं 68, फिर जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखते हैं 52। ओके, एंड डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, रिमेंबर। एंड आपका ये साइन रहेगा माइनस का, तो जो बड़ा नंबर है जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको 68 में से 52 को माइनस करना है। एम आई राइट? 62 में से 52 को घटाना है आपको। तो कैसे लिखेंगे, 62 ऊपर 52 नीचे। तो 62 को क्या बोलते हैं वो बताता हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं माइन्यूएंड, इसको बोलते हैं सबट्रेंड, और आपका जो इधर आंसर आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एंड हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन दिखाऊंगा आपको, उसको ऐसे लिखते हैं 68 माइनस 52 इक्वल टू वट एवर इज योर आंसर। अगेन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइन्यूएंड। इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंड। आंसर को क्या बोलेंगे, डिफरेंस। क्लियर है? और इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल। क्लियर सब्ट्रैक्शन का एक एक सिंबल क्लियर है, और ये साइन को बोलते हैं हम लोग माइनस। नाउ ये विदाउट बोरोइंग है, जो एडजेसेंट डिजिट है उससे कुछ लेना नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं विदाउट बोरोइंग। प्रोसेस सेम है, आपको वंस के कॉलम जो है ये वन का कॉलम है, मतलब वंस डिजिट से स्टार्ट करना है, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे राइट टू लेफ्ट। जिसमें से माइनस करना है उसको माइन्यूएंड बोलते हैं, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सब्ट्रैंड बोलते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने वंस डिजिट पे क्या है, 8। तो 8 बड़ा है अपना, ये आपका टेंथ प्लेस, वंस प्लेस 8 है, टेंथ प्लेस 6 है। ओके, और नीचे वाले के लिए नंबर के लिए, ये नंबर के लिए वंस प्लेस पे 2 है, टेंथ प्लेस पे 5 है। तो पहले 1 का कॉलम करेंगे हम लोग, ओके, टेंस का कॉलम बाद में करेंगे। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, कैलकुलेट 8 माइनस 2। फिंगर्स काउंटिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, रीग्रुपिंग कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, नंबर लाइन यूज कर सकते हो, नो इश्यू। आपको सब्ट्रैक्शन करना है बस। सो 8 माइनस 6 2 करेंगे तो 7, 6 करेक्ट, 2 माइनस किया तो 6। नेक्स्ट कॉलम अभी टेंथ वाला है, तो इसको करेंगे 6 में से 5 माइनस होगा, 6 माइनस 5, ये हो गया आपका कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन, आंसर इज 16। तो ये विदाउट बोरोइंग था एंड टू डिजिट सब्ट्रैक्शन है। ओके, ऐसे ही आप थ्री डिजिट सब्ट्रैक्शन, फोर डिजिट सब्ट्रैक्शन, डिजिट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोसेस पे। जो प्रोसेस आपको सिखाया गया है, जो प्रोसेस मैं सिखा रहा हूं आपको, वही प्रोसेस आपको टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट, सिक्स डिजिट, कितना भी डिजिट का प्रॉब्लम रहने दो, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। वंस कॉलम, टेंस कॉलम्स, हंड्रेड कॉलम, थाउजेंड कॉलम, 10,000 कॉलम, ऐसे सॉल्व करना है आपको। ओके, ये विदाउट बोरिंग वाला है।
नाउ नेक्स्ट में अब सम लेता हूं बोरोइंग वाला एंड टू डिजिट का ही लेता हूं, देन उसके बाद एक बड़ा सम लेंगे हम लोग जो मिक्स होगा विथ बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग। ओके, इसका आंसर क्या होगा अगेन 68 माइनस 52, हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन का भी 8 माइनस 2 करेंगे पहले 6 एंड 6 माइनस 5 1, आंसर इज 16। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 15 को 34 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 34 में से 15 को माइनस करना है, तो 34 में से करना है इसलिए 34 आएगा ऊपर, जिसको करना है सब्ट्रैक्ट हुआ आएगा आपका नीचे। ओके, इधर माइनस का साइन लगा देंगे नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है, फिर टेंस प्लेस पे जाना है। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा है ऊपर वाले नंबर से, छोटा नीचे वाला, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए एडजेसेंट डिजिट जो होता है, बाजू वाला डिजिट जो है उसके, कुछ भी हो वो डिजिट, उससे आपको एक बोरो करना है, उधार लेना है उससे। अब जो भी उधार लोगे आप उसको यहां लिखोगे, एक ही उधार लेना है, रिमेंबर एक ही लेना है आपको सिर्फ। ओके, एक ही लेना है और आप उस एक को लेफ्ट साइड में लिख दोगे, उस डिजिट के लेफ्ट साइड में लिख दोगे। अब आप 14 में से 5 घटाओगे, 4 में से नहीं, तो 14 माइनस 5 इज 9 एंड यहां आपका 2 बचेगा क्योंकि आपने एक दे दिया यहां से, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो डिफरेंस आया 19 का। क्लियर है? ये विदाउट बोरिंग वाला प्रॉब्लम है, इसमें आपको बोरो नहीं करना है, बाजू वाले से कुछ भी लेना नहीं है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट प्लेस से, देन टेंस 100 ऐसे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ऐसे करना है, ठीक है, एरो की तरफ जाना है आपको, ऐसे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है। तो 4 माइनस 3 अगेन, इसको क्या बोलते हैं, माइनुएंड, इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैंड, और जो आंसर आएगा आपका दैट इज योर डिफरेंस। सो 4 माइनस 3 1 और 2 माइनस 2, दो में से दो गया तो कुछ नहीं, 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 6 5 4 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, गॉट इट? ये विदाउट बोरोइंग वाला था, वेरी इजी, ये विद बोरोइंग है। ओके, इसमें आपको बोरो करना पड़ेगा। स्टार्ट करें, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4 माइनस 7 होगा, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, वाई, जो नीचे वाला डिजिट है वो 4 से बड़ा है इसलिए माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, 4 को बड़ा बनाना पड़ेगा, करेक्ट? कैसे बनेगा 4 बड़ा, बाजू वाले से एक बोरो करेगा, राइट? तो 5 है, 5 में से एक यहां लेगा, 5 में से एक यहां जाएगा, ये कितना बन जाएगा 14, और ये 5 में से एक चला गया, एक माइनस हो गया, एक कट गया एक, तो ये कितना बचा 4, तो अब ये डिजिट नहीं है, 14 में से 7 गया तो 7 एंड 4 में से 1 जाएगा आपका, जा सकता है ना, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, आंसर इज 3। अब इस 3 में से 4 को माइनस करना है बाजू वाले डिजिट से, तो आप एक बोरो करो, कितना हो जाएगा ये 13 और ये कितना हो जाएगा 8। ओके, अब माइनस करो 13 माइनस 4, काउंटिंग करो, 13 में से 4 गया तो 12 11 10 9, सो आंसर इज 9। अब 8 माइनस 8, when you subtract the same numbers answer will be 0. Okay, this is the property of subtraction. So 8 minus 8 is 0. 2 में से 6 को माइनस करना है, होगा क्या, नहीं, 6 बड़ा है तो एक आपको यहां से लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12 और ये अपना 1 बन जाएगा, कट। तो अभी 12 में से 6 को माइनस करना है, तो 12 में से 6 गया तो 6
और ये अभी टू में से नहीं करना है, वन से करना है। तो वन माइनस वन अगेन जीरो, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो जीरो, सेवन में से फाइव को माइनस किया तो सिक्स, फाइव फोर थ्री टू, ये है आपका डिफरेंस आंसर, ये आपका सब्ट्रैंड, ये आपका माइनुएंड। जब आप किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही नंबर आता है। ओके, टेन माइनस जीरो टेन, थ्री माइनस जीरो थ्री, फाइव माइनस जीरो फाइव। ओके, जीरो को जब सब्ट्रैक्ट करते हो किसी भी नंबर से तो वही नंबर आता है। ओके, जीरो में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जब किसी नंबर में से जीरो को माइनस करोगे तब सेम नंबर आएगा, वही, उल्टा नहीं, उल्टा इज नॉट ट्रू। मतलब जीरो में से फाइव को माइनस नहीं कर सकते आप, अगेन क्योंकि नीचे वाला डिजिट फाइव है, बड़ा हो जाएगा जीरो से, तो जीरो माइनस फाइव नहीं होगा आपके, ठीक है, आगे होगा, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब मिलेगा वो देखने को, इस क्लास में नहीं है। एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ विल गिव यू द जीरो। एनी नंबर, जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से में उसी नंबर में से माइनस करते हो तो आपका आंसर जीरो आता है। फाइव माइनस फाइव जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, हंड्रेड माइनस हंड्रेड जीरो, लाइक दिस। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी नंबर यू विल गेट द प्रीवियस नंबर। जब आप किसी नंबर में से एक को माइनस करोगे तो आपको उससे पहले वाला नंबर मिलेगा। जैसे सेवन नंबर है, सेवन के पहले क्या आता है, सिक्स। आप सेवन में से वन को माइनस करो, सिक्स। टेन में से वन माइनस करो, नाइन। ट्वेंटी में से वन माइनस करो, नाइनटीन, राइट। हंड्रेड में से वन माइनस करो, नाइनटी नाइन। कितना भी बड़ा नंबर होने दो, सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करना है आपको, घबराना नहीं है, कामली शांति से कॉलम वाइज कॉलम करते चलो, जहां जरूरत पड़े वहीं बोरो करो, जहां नहीं है जरूरत वहां बोरो मत करो। मोस्टली जरूरत कब पड़ती है, जब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा होता है, ओके, तब जरूरत पड़ती है एडजेसेंट डिजिट से। तो ध्यान रखना, एडजेसेंट डिजिट से ही कैरी करना है, इससे नहीं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4203 में से 2165। ओके, वीडियो को पॉज करो और आप खुद ट्राई करो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आता है, आंसर आने के बाद यहां मैच करो। ओके, फिर देखते हैं आपको आया या नहीं आया सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 5 होगा सब्ट्रैक्शन, नहीं होगा, क्योंकि 5 लार्जर देन 3 है। तो क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे हम लोग, जीरो से बोरो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जीरो है, उसके पास तो कुछ, वो खुद कुछ नहीं है, वो क्या देगा सामने वाले को, उसके पास है ही नहीं देने के लिए पैसा, वो नहीं देगा, जिसके पास है ही नहीं वो आपको क्या देगा। लेकिन वो किसी और से लेके तो आपको दे सकता है, करेक्ट। तो जीरो है, इसके पास नहीं है, तो ये बाजू वाले से तो लेगा, अपने पड़ोसी से, ये अपने पड़ोसी से ले सकता है। तो इससे अगर इसने एक ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये टेन बन जाएगा भाई, और ये वन बन जाएगा। तो अब ये टेन बन गया, अब ये, अब थ्री टेन से तो ले सकता है, करेक्ट। तो टेन से एक लेगा तो ये कितना बन जाएगा, थर्टीन, और ये कितना हो जाएगा, नाइन, क्लियर। अब थर्टीन में से फाइव को माइनस करो, कितना बचेगा, काउंटिंग शुरू करो, एट। नेक्स्ट, अब नाइन में से सिक्स को माइनस करो तो कितना बचेगा, एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री, थ्री बचा। लास्ट वन माइनस वन, सेम नंबर है, सेम नंबर में से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। अब फोर में से टू माइनस किया तो टू, दिस इज योर आंसर। समझा, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।